अंडरग्राउंड चिकन करी कुकिंग। मिदुला नाम के गांव में पप्पू नाम का एक चोर रहता था। वो अपने दोस्त जीतू के साथ मिलकर चोरियां यूं कर लेता था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस लोहे के चने चबाते। एक दिन पुलिस स्टेशन में एसआई के हाथ पप्पू आया तो उसे पकड़कर एसआई खूब मारने लगा। उसे खूब मारने के बाद एसआई, अरे यार भाई तू आदमी है या आदमी के रूप में राक्षस? भाई चाहे जितना मार लो तुम नहीं सुधरते, तुम चोरी करना नहीं छोड़ते और इस चक्कर में हम जरूरी काम छोड़कर तेरे पीछे लगे रहते हैं और हमें एक भी सुराग नहीं मिलता। भाई अब बहुत हो गया, अब तो तेरा एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। तब पप्पू, सर मुझे छोड़ दीजिए सर, अरे आप जैसे सिंसियर ऑफिसर के आने के बाद कमबख्त कोई चोरी करेगा क्या? मैंने तो कब का छोड़ दिया सर। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। तभी वहाँ खड़ा कांस्टेबल, सर आप इसका यकीन न करें, ये बहुत बड़ा नाटकबाज है, ये सब पूरा इसका एक्टिंग है सर। यूं कह ही रहा था कि तभी पप्पू का वकील वहाँ पहुँचा। उसने एसआई को बेल पेपर्स दिखाए और पप्पू को छुड़ा कर ले गया। कुछ दिनों बाद उसके अंडरग्राउंड डेन में पप्पू जीतू से, यार जीतू उस एसआई के मार का दर्द अब तक हो रहा है यार, भाई उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा मैं, उसे गिड़गिड़ा कर रोना होगा। ये सब तो ठीक है यार, भाई चिकन खाने का खूब मन कर रहा है, मुंह में पानी आ रहा है यार, पहले चिकन बिरयानी खाना होगा तभी मेरा दिमाग काम करेगा। तब दोनों ने मिलकर चिकन बिरयानी बनाया और मजे से खाने लगे। उसके बाद जीतू के साथ मिलकर पप्पू सारे ज्वेलरी शॉप्स में चोरी करने लगा। यूं देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारी चोरियां कर ली थी। ये सब देखकर एसपी ने एसआई को बुला भेजा और कहने लगा, भाई मैं एक बात समझ गया, अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अरे बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, कहते थे कि दो दिन में मैं एक केस बंद करा दूंगा सर, और अब क्या हुआ, पूरा एक महीना बीत गया, अरे तुम तो ये भी नहीं पता लगा सके कि वो पप्पू है कहाँ। भाई बात हो गया, मैं तुम्हारी जगह एक नए ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा हूँ, तुम छुट्टी ले लो और घर जाकर बच्चों के साथ खेलो। तब एसआई, सर एक मौका दीजिए बस, मैं पप्पू को नहीं छोड़ूंगा सर, वो चाहे किसी भी बिल में छुपाओ उसे मैं बाहर निकालूंगा और पकड़ कर लाऊंगा सर। तब एसपी ने ठीक है कहकर एक आखिरी मौका दिया। तब एसआई ने कांस्टेबल के साथ मिलकर गांव में चेक पोस्ट लगाए और सबकी तलाशी लेकर भेजने लगा, लेकिन फिर भी पप्पू का कोई पता नहीं लगा। एक दिन एसआई के पास एक कांस्टेबल आया, उसने चिकन के प्रति पप्पू की कमजोरी के बारे में सब कुछ बताया। तब एसआई ने कुछ मुर्गी पकड़े और उन्हें खाली प्रांतों में जाकर छोड़ दिया। यूं दो दिन बीतने के बाद पप्पू जहां अंडरग्राउंड में छुपा था वहां उसको मुर्गियों की आवाज सुनाई दी। उसने जीतू को भेजा और मुर्गी पकड़कर लाने के लिए कहा। तब जीतू अंडरग्राउंड दरवाजा खोला, ऊपर जमीन पर जाकर मुर्गी पकड़ कर ले आया और पप्पू को सौंपा। बाद में जीतू उस चिकन को पकाने लगा। चिकन को पकाने का धुआं एक पाइप द्वारा बाहर निकलने लगा। उस धुएं को देखकर एसआई को शक हुआ। मुर्गी को पकाते हुए पप्पू, अरे यार क्या खुशबू है, इन पुलिस वालों के डर से बहुत दिन से बाहर नहीं गए हम लोग और चिकन के लिए तरस गए थे, लगता है खुद भगवान ने इसे भेजा है हमारे खाने के लिए। तभी पुलिस ने अंडरग्राउंड दरवाजा खोला और दबादब अंदर चले गए। वहाँ पप्पू और जीतू को देखकर एसआई, अरे किसी भगवान ने नहीं भेजा भैया, मैंने भेजा है। अरे राजा मैं जानता था तुम्हारी चिकन के प्रति कमजोरी को, इसीलिए मैंने मुर्गियाँ छोड़ दी चारों तरफ और तुम पकड़े गए। भाई कुछ भी कहो, इतने बड़े चोर को एक छोटी सी मुर्गी ने पकड़वा दिया भैया, समझे? भाई कुछ भी कहो, तुम्हारा ये डेन का सेटअप बहुत बढ़िया है। भाई ये सेटअप तो एकदम फिल्मी है, मजा आ गया। भाई सुना है तुम चिकन करी बहुत बढ़िया पकाते हो। यूं सबने वहाँ तलाशी ली
और उन्होंने बहुत सारे जेवर और पैसे जब्त किए। बाद में ऐसा ही पप्पू से, भाई मैं तुम्हारा एकदम बढ़िया इलाज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हें गिरफ्तार करते ही तुम्हारा वकील पूंछ हिलाते हुए दौड़ा दौड़ा आ जाता है, इसीलिए एक महीने तक हम सब तुम्हारे मेहमान बनकर यहीं रहेंगे। हम हर रोज तुम्हारी मरम्मत करेंगे और हर रोज हम चिकन लेकर आएंगे और हर रोज तुम ही चिकन पका कर हमें खिलाओगे और खुद भी खाओगे, फिर हर रोज तुम्हारी सेवा हम करेंगे डंडे से। बच्चों अब तुम तैयार रहो। इस तरह हर रोज एसआई और कांस्टेबल्स मिलकर चिकन लाते थे। चिकन उन दोनों को खिलाकर और खुद खाकर पप्पू और जीतू को खूब मारते थे। यूं एक महीने तक मार खा खा कर पप्पू और जीतू ने हार मान ली और उन्होंने एसआई के पैर पकड़े और अपनी गलती को माना। तब उन्हें ले जाकर एसआई ने एसपी के सामने पेश किया। एसपी ने एसआई को पप्पू को पकड़ने की खुशी में शाबाशी दी।